अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन में जितना कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकते हैं। नमस्ते, स्वागतम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है, एक नई सीरीज। हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं त्रयोदश अध्याय यानी कि चैप्टर 13 में। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और जो कुछ मैं आप तक गीता सार में पहुंचा पा रहा हूं, ये सब मैंने पढ़ा है, चिंतन किया है श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या यथार्थ गीता में, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। यथार्थ गीता में स्वामी जी त्रयोदश अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं कि जिन क्षेत्रों की बात हो रही है, प्रथम अध्याय में जब बात होती है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो क्षेत्र जो है वो कहां है, तो जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया वही उस क्षेत्र का विस्तार से वर्णन बताते हैं कि वो क्षेत्र कहां है। त्रयोदश अध्याय का जो पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। प्रभु कहते हैं कि कौन्तेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार से जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो इसमें फंसा हुआ नहीं है बल्कि इसको चला रहा है। ऐसा उस तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने कहा है, जब शरीर एक है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हैं, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कैसे हैं। थोड़ा विस्तार में जब आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे, समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक परमात्मा में विश्वास दिलाती है जो कि देवी संपद है, दूसरी आसुरी संपद है जो ये विश्वास दिलाती है कि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ मजे मस्ती करने के लिए हम आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन एक जो है वो परमात्मा में, उस परम प्रभु में आपका विश्वास जो है उसको और सुदृढ़ करती है। जब आपके शरीर के अंदर आपके विचारों में आसुरी संपद का बाहुल्य हो जाता है तो ये जो शरीर है कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब इसी शरीर में इसी मन में दैवी संपद अच्छे विचारों का जो है बाहुल्य होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर यही शरीर जो है धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये जो उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर जब दोनों में युद्ध होता है तो फिर दैवी संपद जो है बढ़ती जाती है, आसुरी संपद गायब होती जाती है, और आसुरी संपद जब खत्म हो जाती है तो फिर परमात्मा के दिग्दर्शन की वो जो अवस्था है वो आती है। और फिर क्योंकि आसुरी संपद खत्म हो गई है तो देवी संपद किससे युद्ध करे, इसलिए देवी संपद की भी आवश्यकता खत्म हो जाती है, वो भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसा कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के योद्धा तो प्रभु के श्रीमुख में विलीन हो ही रहे, पांडव पक्ष के योद्धा भी विलीन हो रहे हैं, यानी कि आसुरी संपद के खत्म होने के बाद देवी संपद भी विलीन हो जाती है, फिर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आपका मिलन जो है वो शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, क्षेत्र चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र मुझे ही जान, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ होता है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो प्रकृति को, पुरुष को तत्व से जान लेता है वो ज्ञानी कहलाता है, उसके पास वो ज्ञान होता है जिसे साक्षात्कार के साथ वो जानकारी मिल जाती है। सिर्फ बहस करने का नाम ज्ञान नहीं है, जब आप दर्शन कर लेते हैं वो वास्तविक ज्ञान है। वो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिन कारणों से है, और क्षेत्रज्ञ जो प्रभाव वाला है, वो सब इस त्रयोदश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं। क्षेत्र किसी कारण से हुआ है, क्षेत्रज्ञ जो है वो सिर्फ प्रभाव वाला है। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऋषि मुनियों ने भी कहा है। और ये शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है क्या इतना सा है या और भी कुछ है, इस पर कहते हैं श्री भगवान उवाच, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। कहते हैं प्रभु की पंच महाभूत यानी कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त, यहां चित्त का नाम नहीं लेकर के उन्होंने कहा पराप्रकृति, और पराप्रकृति जो है इसके साथ वो कहते हैं 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये सब भी शरीर है। और आगे कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति,
एतद क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदाहृतम। भगवान कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और इन सब का जो ग्रुप है, इन सब का समूह है, वो देह का ये जो पिंड है, चेतना और धैर्य, ये सब जो है क्षेत्र हैं विकारों सहित, इनको बहुत संक्षेप में उन्होंने बताया। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे बोए हुए भले और बुरे बीज हैं, संस्कार वाले, इसमें उगते हैं। हम जैसा कर रहे हैं वो इसी क्षेत्र में उग रहे हैं। शरीर में किस चीज से शरीर बना है तो बताते हैं, 5 तत्व हैं, 10 इंद्रियां हैं, 1 मन है, ये सारे लक्षण जो है वो बताते हैं। इन सब को जब आप इकट्ठा कर लें तो फिर ये जो पिंड है वो शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे, जब तक मन में द्वेष रहेगा, ग्लानि रहेगी, तब तक ये पिंड जो है ये भी रहेगा। इसीलिए विकारों से बना है। जब तक ये सारे विकार हैं तब तक हम किसी ना किसी रूप में इसी प्रकृति में घूमते रहेंगे। अब जो है प्रभु कहते हैं उस क्षेत्रज्ञ के बारे में जो कि इसमें लिप्त नहीं है बल्कि इससे निवृत्त हो चुका है। कहते हैं, अमानित्व मधम्बित्व महिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। उसके लक्षण बताते हैं क्षेत्रज्ञ कि कैसा होता है। उसमें मान अपमान का अभाव होता है, दंभाचरण नहीं होता, दंभी नहीं होता, घमंडी नहीं होता। अहिंसा यानी कि ना तो अपनी आत्मा को कष्ट देना और ना ही दूसरे की आत्मा को कष्ट देना। अहिंसा से हम समझते हैं कि हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं। अगर हम अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहे हैं तो हम अपनी आत्मा का भी उद्धार नहीं कर रहे हैं, वहां भी हम अहिंसा कर रहे हैं। शुद्ध अहिंसा वो है कि आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भी ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो पथ है, जो रास्ता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, उस रास्ते पर चलना प्रारंभ करें। क्षेत्रज्ञ को और विस्तार में बताते हैं प्रभु। कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक में, परलोक के और जो दुख देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, यानी कि जो यहाँ सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, उसमें आसक्ति ना हो, अहम का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग, ये सब जो इनमें दुख दोष का बारंबार चिंतन ना हो। असक्तिर्न विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्व मिष्टा निष्टो पपत्तिषु। प्रभु कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ बताते हुए भगवान कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, धन और गृह, इन सब में आसक्ति ना हो। प्रिय और अप्रिय की स्थिति में चित्त यानी कि जो मन है वो हमेशा सम रहे। और ये सब परिस्थितियां गृहस्थ जीवन से प्रारंभ होती हैं। आगे कहते हैं, मई चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्य मर्तिर जन संसदी। मुझ में यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में अनन्य योग से सिर्फ मेरे अलावा किसी और का स्मरण ना करे, अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि मेरे अलावा किसी और के और की भक्ति ना करे, अनन्य श्रद्धा से अन्य ना किसी और के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ मेरा चिंतन करे, ये भी क्षेत्रज्ञ के लक्षण है। तो क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के लक्षण में प्रभु यही बता रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति हो, इष्ट के अतिरिक्त किसी और का चिंतन ना आए, जब आप ध्यान में बैठे, एकांत स्थान का सेवन करता हो, एकांत स्थान पर रहना पसंद करने लगा हो, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति ना हो, ज्यादा लगाव ना रहे। और आगे कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान यानी कि परमात्मा में स्थिति मिल जाए, तत्व ज्ञान के साथ उनका साक्षात्कार हो जाए, ये सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ कहा गया है वो सब का सब अज्ञान है। उसी बात को प्रभु यहां पर कहते हैं कि यही एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। आगे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त्री च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वो जो परमात्मा है वो अविभाज्य है, उनको विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन तब भी जितने संपूर्ण इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में भूत हैं, उनमें अलग अलग के सदृश जो हैं तरह से वो प्रतीत होते हैं। वो जो जानने योग्य परमात्मा हैं वो समस्त भूतों को, जितने भी सृष्टि में जीव हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, उनका भरण पोषण करने वाले हैं और अंत में संहार करने वाले हैं। तो बाहर और अंदर दोनों जो भाव हैं उनकी ओर संकेत हुआ है। स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि जैसे बाहर जन्म होता है अंदर जागृति होती है। बाहर पालन कर रहे हैं तो अंदर योगक्षेम जो आपका ध्यान है उसको आगे ले जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर शरीरों का परिवर्तन, जैसा कि शरीरों के कल्प के बारे में कहा गया, प्रकृति भी एक कल्प कर रही है, शरीरों का परिवर्तन होता जाता है। और अंदर
जब हम बात करते हैं चिंतन की, ध्यान की, तो वहां सब संस्कार जो है उनका विलय हो जाता है। तो अंदर और बाहर दोनों के बारे में श्लोक में बात की है। जब सारे संस्कारों का विलय हो जाता है, सारे संस्कार मिट जाते हैं, तो वो संन्यास की स्थिति आ जाती है और उसी समय वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब जो है उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के लक्षण है। और विस्तार में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वो जो गे है ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, जिसे हमें जानना है। तम से अति परे कहा जाता है, अंधकार से बहुत दूर। वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान से ही प्राप्त होने वाला है। जब साक्षात्कार होगा तो जो जानकारी मिलेगी वही वास्तविक ज्ञान है। उसी जानकारी से ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है और वो सबके हृदय में स्थित हैं। उनका निवास स्थान हृदय है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। कहते हैं इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एत दविज्ञाय मद भावायोपपद्यते। एतद् विज्ञाय, कहते हैं अर्जुन बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य जो परमात्मा है उनका स्वरूप है, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। इसे जान करके मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे क्षेत्र कह रहे थे, क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, उसी को प्रकृति और पुरुष कहकर के आगे बताते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांच गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति सम्भवान। ये दोनों ही अनादि हैं, हमेशा रहने वाली हैं और संपूर्ण विकार जो है इस त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जो है अर्जुन को कहते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण जो हैं उनको उत्पन्न करना, इसमें हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और करण, करण जैसे कि शुभ कार्य हो रहे हैं तो विवेक वैराग्य करण है, अशुभ काम हो रहा है तो काम क्रोध लोभ जो है, मोह जो है, ये करण है। तो इनको उत्पन्न करने में जो हेतु है, जो आधार है, वो प्रकृति कही जाती है। और जो पुरुष है वो सुख दुख को भोगने में कारण कहा जाता है। तो क्या हम भोगते रहेंगे या कभी हमें इससे छुटकारा मिलेगा? जब पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं तो कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृति के बीच में जो खड़ा होने वाला पुरुष है वो प्रकृति से जितने गुण उत्पन्न हो रहे हैं उनको भोगता है और ये जो गुण हैं इनका संग ही उसके अच्छे और बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। वो किस प्रकार से इस प्रकृति के बीच में खड़ा है तो उसके बारे में कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वो जो पुरुष है वो उपद्रष्टा, हमारे ही हृदय में बहुत ही पास, जैसे हाथ पांव मन ये सब हमारे पास हैं, उससे भी ज्यादा समीप दृष्टा यानी कि देख रहे हैं आप उनके। जब वो मौजूद हैं, जब वो हमारे साथ हैं, तब आप अच्छा करें, भला करें, बुरा करें, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, साक्षी के रूप में खड़े हैं। लेकिन जब आपकी साधना, जब आपका ध्यान अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा आप उनकी तरफ चलते हैं, तो जो दृष्टा पुरुष है उनका जो क्रम है वो बदल जाता है और वो अनुमंता यानी कि परमिशन देने लगते हैं, अनुमति प्रदान करने लगते हैं, अनुभव देने लगते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करने लगते हैं। थोड़ा और जब आप ध्यान करने लगते हैं, थोड़ा और उनके पास पहुंचते हैं, तो वो भरता यानी कि भरण पोषण करने लगते हैं, जो आपका ध्यान है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने लगते हैं, उस कल्प को जो है रचने लगते हैं। जब आपकी साधना और ज़्यादा उन्नत हो जाती है, और ज़्यादा आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो वो भोक्ता हो जाते हैं। भोक्ता रम यज्ञ तप साम, यज्ञ तप जो कुछ विवन पड़ रहा है सबको ग्रहण करते हैं और उसके बाद वाली जो अवस्था आती है तो उसमें महेश्वर है, महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाते हैं। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी भी कहीं कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका स्वामी है। इससे भी आगे की अवस्था आती है तो परमात्मेति चाप्युक्तो, परम से संयुक्त हो जाता है, तब परमात्मा कहलाता है। इसी तरीके से शरीर में रहते हुए जो पुरुष आत्मा वो परा है, वो इस प्रकृति से परे है। अंतर इतना है कि वो पहले दृष्टा में के रूप में थे, फिर अनुमंता के रूप में आए, फिर भोक्ता के रूप में आए, फिर महेश्वरा और फिर परमात्मा। ये जो है ये सब कुछ इस श्लोक का सार है। वो कहते हैं कि जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता और इसी को ही मुक्ति कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो ज्ञान जानकारी है वो ज्ञान वाले जो नेत्र हैं, जो वास्तविक जानकारी साक्षात्कार के साथ मिलती है, उससे ही संभव है।
इस त्रयोदश अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय, जिसमें क्षेत्र को भी विस्तार से समझाया गया, क्षेत्रज्ञ को भी विस्तार से समझाया गया। अगले बुधवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए चतुर्दश अध्याय का सार। देखते रहिए गीता ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से हम क्या समझ सीख सकते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता, www.yathartgita.com से घर बैठे फ्री कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, प्रभु कृपा बनी रहे।